हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिटरमिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, दैट इज डिटरमिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर. ओके, सो एक्सपेरिमेंटली हम ट्रांसपोर्ट नंबर को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं. सो बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस हैं उनका ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड इज हिट ऑफ मेथड, जिसको हम थ्रेटिकली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में. नेक्स्ट इज द मूविंग बाउंड्री मेथड. ओके, तो हिट ऑफ मेथड को हम थ्रेटिकली तो डिस्कस कर चुके हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे यूज किया जाता है, कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं इसमें से उनकी स्पीड ऑफ द आयंस और कैसे फॉल इन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं और उनसे हम कैसे ट्रांसपोर्ट नंबर निकालेंगे, वो हम आज देखने वाले हैं. ठीक है, तो डिटेल में डिस्कशन करते हैं आज हिट ऑफ मेथड के बारे में. ओके, सो हिट ऑफ मेथड, सो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हिट ऑफ मेथड. तो दो देखिए, जो हमारा हिट ऑफ मेथड है दैट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ हिट ऑफ रूल. ठीक है, और हिट ऑफ रूल क्या कहता है, द फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी आयन, ठीक है, अराउंड एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन विच इज मूविंग अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड. मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस, ठीक है, अराउंड एनोड, सो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ कैटायंस विच इज मूविंग अवे फ्रॉम द एनोड. ठीक है, तो कैटायंस ने एनायन एनोड की से कैथोड की तरफ मूव करना है. ठीक है, तो वहां पे क्या करेगी, कैटायन की कंसंट्रेशन फॉल करेगी. सो लेट इट बी, हमारे पास ये क्या है, एनोड है और ये क्या है, कैथोड है. ठीक है, तो कैटायंस जो है वो यहां से यहां मूव करते हैं और एनायन जो है हमारे पास वो कैथोड से एनोड को मूव करते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज द फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस अराउंड एनोड, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ कैटायंस. ठीक है, सो व्हाट इट सेज दैट द फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड ओवर फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड, दैट विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ कैटायंस, क्योंकि कैटायंस मूव कर रहे हैं फ्रॉम एनो टू कैथोड. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ कैटायंस अपॉन द स्पीड ऑफ एनायंस. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू यू सी अपॉन UA, or we can say the fall in concentration around cathode upon fall in concentration around anode, that will be equal to the speed of anions upon speed of cations, that is UA upon UC. हम वो भी लिख लेते हैं. So let it be fall in concentration around cathode over fall in concentration around anode, that will be equal to UA upon UC. ठीक है, किसी भी हम फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम इस पूरी आगे थ्योरी में इस इक्वेशन को यूज करेंगे, सेकंड वाली को, दैट इज फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड अपॉन फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, दैट इज इक्वल टू UA upon UC. क्लियर, नाउ इफ आई एड वन ऑन बोथ साइड, सो आई विल हैव द वन प्लस फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड ओवर फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, दैट विल बी इक्वल टू वन प्लस यू ए अपॉन यू सी. ठीक है, सो इट विल बिकम द फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड प्लस फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड अपॉन द फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, एंड दैट विल बी इक्वल टू यू सी प्लस यू ए अपॉन
यू सी, ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कैटायन प्लस स्पीड ऑफ एनायन टू द स्पीड ऑफ कैटायंस. अगर हम इसको इन्वर्ट करें, अगर हम इसको इन्वर्ट करें, सो वी कैन से दैट, और वी कैन राइट द फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड ओवर, सो वी कैन राइट इट एज ए फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड बोथ द इलेक्ट्रोड्स, एनोड प्लस कैथोड जो है दैट इज बोथ द इलेक्ट्रोड्स, सो वी कैन राइट इट एज ए फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड बोथ द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है. सो दैट विल बी इक्वल टू यू सी अपॉन यू सी प्लस यू ए. एंड वट इज दिस, द यू सी अपॉन यू सी प्लस यू ए, अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यू सी अपॉन यू सी प्लस यू ए इट नथिंग, इट इज ए ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस, मीन्स द स्पीड ऑफ कैटायन अपॉन द स्पीड ऑफ एनायन प्लस कैटायन, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस, बिकॉज ऊपर हमारे पास क्या है, दैट इज द स्पीड ऑफ कैटायंस, ठीक है. इट इज द रेशियो ऑफ द करंट कैरिड बाय द कैटायंस अपॉन द करंट कैरिड बाय द ऑल द आयंस, ठीक है, कैटायन प्लस एनायंस, दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस. नाउ व्हाट इज द फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड और कैथोड, ठीक है, मीन्स जितना वहां पे जो कैटायंस हैं वो मूव करते हैं एनोड से और कैथोड पे जाते हैं और वहां पे डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, या फिर डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है ना. तो वी कैन राइट द फॉल इन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ देयर ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड और डिस्चार्ज, ठीक है, मींस लॉस्ट हुए जो, ठीक है. तो वी कैन राइट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट अराउंड द एनोड, क्लियर है, क्योंकि वही वहां से मूव करके कैथोड पे जा रहे हैं और डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वहां से तो लॉस हो रहा है ना. सो वी कैन एक्सप्रेस दिस फॉल इन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है. सो वी कैन एक्सप्रेस दिस फॉल इन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. सो वी कैन राइट सिंपली दैट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लॉस्ट अराउंड एनोड, और सिंपली एनोडिक कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे कंपार्टमेंट हमने देखा था, एनोडिक कंपार्टमेंट और द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट अराउंड बोथ द कंपार्टमेंट्स, ठीक है, दोनों कंपार्टमेंट्स में कितना कितना ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट हुआ, एंड दैट इज इक्वल टू, that is equal to TC, which is equal to UC upon UC plus UA. अब कितना ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट हुआ एनोडिक कंपार्टमेंट में, कितना ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट हुआ कैथोडिक कंपार्टमेंट में, वो कैसे पता चलेगा. अगर हम अपने सिस्टम को, अगर हमारा जो सिस्टम अंडर स्टडी है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, उसके सीरीज में हम एक सिल्वर या कॉपर का वोल्टामीटर हम अगर अटैच कर दें, ठीक है, हमने बात की थी लास्ट टाइम भी कि हमने अगर फाइंड आउट करना है भी कितना ग्राम इक्विवेलेंट जो लॉस्ट हो रहा है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, अगर हम उनके सीरीज में एक सिल्वर या कॉपर का वोल्टामीटर या फिर कॉलोमीटर, ठीक है, नाम दोनों डिफरेंट है बट है चीज सेम ही होती है, वोल्टामीटर को हम कॉलोमीटर भी कह देते हैं, ठीक है. अगर हम एक वोल्टामीटर या कॉलोमीटर हम सीरीज में अटैच कर दें तो वहां पे फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अप्लाई होता है. तो वो क्या कहता है कि अगर हम दो सिस्टम सीरीज में कनेक्टेड हैं और उनमें हम सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहे हैं, ठीक है, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग थ्रू बोथ दी सिस्टम्स, देन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड इन बोथ दी सिस्टम्स विल बी सेम, ठीक है. तो अगर मान के चलते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है, मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं कि ये हमारा सिस्टम है जिसमें हमारे पास ये एनोड है और ये कैथोड है, और इस कैथोड को हमने कनेक्ट कर दिया एक ऐसे सिस्टम के साथ जिसमें हमारे पास एक एनोड और एक कैथोड है, ठीक है, और वो एक हमारे पास क्या है, एक वोल्टामीटर है, मीन्स एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम ही है, ठीक है. तो उसको में हमने फर्दर इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, इसको बैटरी के हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, और जब इसमें करंट फ्लो करेगा, ये हमारा सिस्टम था जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक वोल्टामीटर है, ये क्या है हमारा वोल्टामीटर, ठीक है, वोल्टामीटर कह लो या इसको हम कॉलोमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है, वोल्टामीटर और कॉलोमीटर, क्लियर. अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो वही इलेक्ट्रिसिटी यहां से फ्लो करके यहां पे जा रही है, मीन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो कर रही है, ठीक है. तो फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि जितना अमाउंट इस सिस्टम में, इस वोल्टामीटर में
जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे एनोड पे या कैथोड पे, ठीक है, बिल्कुल सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी डिपॉजिट होंगे इस हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम में, ठीक है। अगर दो सिस्टम हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वहां पे अगर कैथोड पे डिपोजिशन हो रही है तो यहां पे भी जो कैथोड पे डिपोजिशन हो रही है उनकी जो ग्राम इक्विवेलेंट होगी वो सेम होगा। सिमिलरली अगर एनोड पे कोई डिपोजिशन या डिस्चार्ज हो रहा है और यहां पे भी एनोड पे डिपोजिशन या डिस्चार्ज हो रहा है, उनका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी क्या रहेगा, सेम होगा। क्लियर। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट इन बोथ द कंपार्टमेंट्स इन आवर सिस्टम, ठीक है, दैट इज आवर सिस्टम विच इज अंडर स्टडी, ठीक है। तो फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड दिस इलेक्ट्रोड एनोड, ठीक है, एंड फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड दिस इलेक्ट्रोड, तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट हो रहे हैं कैथोडिक कंपार्टमेंट में एंड एनोडिक कंपार्टमेंट में, दैट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिटिंग और डिस्चार्ज इन दिस वोल्टामीटर। क्लियर। सो वी कैन से के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट इन बोथ द कंपार्टमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स विच आर डिपॉजिटिंग इन द वोल्टामीटर। क्लियर। सो वी कैन से द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम एनोडिक कंपार्टमेंट ओवर the number of gram equivalent deposited in the colometer, ठीक है। तो colometer में कितना amount deposit हुआ है, ठीक है, वहां से हम find out कर सकते हैं कि कितने gram equivalent यहां पे lost होगा, ठीक है। suppose अगर हम cathode के बात करते हैं, cathode पे suppose हमारे पास ये जो voltmeter है वो copper का है या फिर silver का है, मान लो सिल्वर का है, तो हम सिल्वर जो होगा सिल्वर आयन कहां पे जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे और वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं अभी कितना सिल्वर यहां पे डिपॉजिट हो रहा है। अगर यहां पे जितना सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है तो मींस उतना ही सिल्वर हमारे पास यहां से यहां मूव करके यहां पे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। और जो सिल्वर यहां पे डिपॉजिट हो रहा है वो आया कहां से, फ्रॉम दी एनोडिक कंपार्टमेंट, मींस एनोडिक कंपार्टमेंट से मूव करके वो यहां पे आया। तो मींस जितना यहां पे डिपॉजिट हो रहा है उतना यहां पे फॉल कर रहा है, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट यहां पे लॉस्ट हो रहा है, ठीक है। तो जितना यहां से लॉस्ट होके जाएगा उतना यहां पे डिपॉजिट होगा। ये कैसे पता चलेगा हमें, अगर हम इस कैथोड पे जितना हमारे पास सिल्वर जो है ग्राम इक्विवेलेंट्स में डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, वो हम अगर कैलकुलेट कर ले तो हम यहां पे ये भी बता सकते हैं कि यहां पे कितना डिपॉजिट हो रहा है और जहां इतना जहां पे डिपॉजिट हो रहा है वो कहां से आया, एनोडिक कंपार्टमेंट से मूव होकर आया। तो मींस उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट यहां पे लॉस्ट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट इन द कॉलोमीटर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट अराउंड द बोथ द कंपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि अगर सिल्वर यहां से मूव करके यहां पे डिपॉजिट हो रहा है तो सेम अमाउंट ऑफ सिल्वर यहां पे डिपॉजिट हो रहा है, तो वो सिल्वर कहां से आ रहा है, एनोडिक कंपार्टमेंट से। और क्योंकि सिल्वर और नाइट्रेट सेम रेशियो में बनते हैं, तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर का हमारे पास कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है उतना ही नाइट्रेट जो है वो एनोड पे जा रहा है, ठीक है, वो एनोड पे लॉस्ट हो रहा है। तो वो एनोड पे कहां से लॉस्ट हो रहा है, फ्रॉम द कैथोडिक कंपार्टमेंट, ठीक है। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट अराउंड बोथ द इलेक्ट्रोड्स और बोथ द कंपार्टमेंट्स लॉस्ट कितना हो रहा है, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट इन द कॉलोमीटर। ये हम डिटेल में पहले भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां से हम ट्रांसपोर्ट नंबर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें ट्रांसपोर्ट नंबर एक आयन का मिल जाए तो हम दूसरे आयन का भी इजिली ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, बिकॉज हमने स्टडी किया था कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस एंड द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायंस जो उनका सम है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ठीक है। इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस सो वी कैन सिंपली कैलकुलेट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायंस एज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायंस विल बी इक्वल टू वन माइनस टी सी। क्लियर। अब ये सारा कुछ कब होगा ऐसा, जब हमारे पास जो इलेक्ट्रोड हमने यूज किए हैं हमारे सिस्टम में, ये वाले जो एनोड और कैथोड हैं, अगर ये क्या होंगे हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे, ये क्या होंगे, इनर्ट होंगे, मींस यू कैन से दीज आर मेड अप ऑफ प्लैटिनम, ठीक है। प्लैटिनम जो है इजिली रिएक्ट नहीं होता है, इजिली अटैकेबल नहीं है। क्लियर। सो सिंपली ये सिस्टम कब वैलिड रहेगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रोड क्या अटैकेबल नहीं है। अगर हमारे जो इलेक्ट्रोड है वो भी सिल्वर मेटल के बने हो, ठीक है, सिल्वर का सिस्टम है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसमें हमने सिल्वर के मेटल डाले हुए हैं, तो जब नाइट्रेट यहां पे जाएंगे और वो सिल्वर मेटल पे अटैक करेंगे और वहां से एनायंस बना के वो सॉल्यूशन में ले आएंगे, तब हम कह सकते हैं कि वहां पे जो लॉस्ट हो रहा है वो उतना लॉस्ट नहीं हो रहा जितना पहले जब इलेक्ट्रोड हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किए थे। अब वहां पे लॉस्ट होने के बजाय हम कह सकते हैं कि वहां पे कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, वहां पे कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो भी हम सिस्टम जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड देखेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात चलते हैं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें हमें चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो कोई भी हमारे पास
इलेक्ट्रोलाइट हमने जब लेना है, जो हमने सिस्टम लेना है, तो हमारा जो ऑपरेटर्स होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए कि सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास तीन उसमें कंपार्टमेंट क्या है वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए. मीन्स वी शुड हैव दिस सेपरेट एनोडिक कैथोडिक एंड मिडल कंपार्टमेंट. ठीक है, एक चीज हमने ये ध्यान रखनी है कि हमारे जो तीनों कंपार्टमेंट है जिसमें हमारे पास एनोड होगा, कैथोड होगा और मिडल होगा, ये तीनों सेपरेट होने चाहिए. क्लियर, एक चीज तो ये होनी चाहिए क्योंकि हमने जो थ्रेटिकल डिवाइस पढ़ा था उसमें हमने सब कुछ बीच में बना दिया था इमेजिनरी लाइन लेके, बट यहाँ पे इमेजिनरी हमें रियल में ऐसा शो करना पड़ेगा कि वो तीनों सेपरेटेड हैं. ठीक है, मिडल कंपार्टमेंट. क्लियर, सेकेंड चीज ये ध्यान रखना है कि जो तीनों कंपार्टमेंट्स हैं उनमें जो सोल्यूशन है उनमें इंटरमिक्सिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है, देयर शुड नॉट बी इंटरमिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इन ऑल द थ्री कंपार्टमेंट्स. ठीक है, ऑल द थ्री कंपार्टमेंट्स. क्लियर है. एंड थर्ड कंडीशन जो है वो ये है कि जो सोल्यूशन है एनोडिक कंपार्टमेंट में, कैथोडिक कंपार्टमेंट में और मिडल कंपार्टमेंट में. ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हम हर एक कंपार्टमेंट में से इंडिविजुअली जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम विड्रॉ कर सकें विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉल्यूशन इन द अदर कंपार्टमेंट. ठीक है, सो वी कैन से द सॉल्यूशन फ्रॉम एनी कंपार्टमेंट कैन बी विड्रॉन without disturbing the solutions in other compartments. ठीक है, इन तीन चीजों का ध्यान रख के हम अपना डिवाइस जो है वो बनाते हैं. ठीक है, अब वो डिवाइस दिखता कैसा है, कैसा होना चाहिए, तो ये है हमारा जो डिवाइस जो हम यूज करते हैं हिट ऑफ मेथड में. ठीक है, अब इस डिवाइस को हम ध्यान से समझते हैं अभी क्या क्या इसमें है और क्या क्या हमें इसमें से चीजें ध्यान में रखनी है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं. क्लियर है, अब हम ध्यान से समझते हैं इसको. लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन. सो अब यहां पर हमारे पास क्या है, वी हैव अ एनोडिक कंपार्टमेंट, अ कैथोडिक कंपार्टमेंट. ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें क्या है, हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब है. ठीक है, जिसमें हमने अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट. सिमिलरली हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब है जिसको हमने कैथोडिक कंपार्टमेंट कहा है, उसमें भी हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है. ठीक है, और एक मिडिल कंपार्टमेंट है जिसमें भी हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है. मीन्स तीन ट्यूब, एक सेंटर ट्यूब जो है वो यू शेप ट्यूब है, दो लॉन्ग हमारे पास किए एक तरह की ट्यूब्स हैं जिनके नीचे हमारे पास क्या है, कुछ ओपनिंग्स हैं. ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग है और तीनों ट्यूब में आप देख सकते हो नीचे की साइड पे हमारे पास क्या है, ओपनिंग्स हैं जहां पे हम सॉल्यूशन को इजीली विड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग दी एनी अदर सॉल्यूशन. ठीक है, अगर हमने एनोडिक कंपार्टमेंट का सॉल्यूशन को टेस्ट करना है, स्टडी करना है, तो हम यहां से इसका स्टॉप को खोल के इसको विड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमने कैथोडिक कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन को स्टडी करना है तो हम यहां से इसका सॉल्यूशन विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर हमने मिडिल कंपार्टमेंट में स्टडी करना है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को तो हम यहां से विड्रॉ करके उसको स्टडी कर सकते हैं. अब यहां पे आप ध्यान से देखिए कि इस पूरे सिस्टम में हमारे पास पांच स्टॉप कॉक हैं. ठीक है, तीन स्टॉप कॉक हमारे पास नीचे हैं जिनको ओपन करके हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन को विड्रॉ कर सकते हैं और उसको हम टाइट्रेट करके स्टडी कर सकते हैं भी उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है. क्लियर है, और दो स्टॉप कॉक हमारे पास ऊपर की साइड है यू शेप ट्यूब में जो क्या कर रहे हैं कि इंटरमिक्सिंग को रोक रहे हैं. ठीक है, किसका, कैथोडिक कंपार्टमेंट का जो सॉल्यूशन है वो मिडिल कंपार्टमेंट में इंटरमिक्स नहीं हो पाएगा अगर हम इसको क्लोज कर दें, और सिमिलरली एनोडिक कंपार्टमेंट का सॉल्यूशन जो है वो मिडिल कंपार्टमेंट में मिक्स नहीं हो पाएगा अगर हम इस साइड का जो स्टॉप कॉक है उसको हम क्लोज कर दें. क्लियर है, और अब इसके साथ में हमने एक हमारा सिस्टम लिया है जिसको हम बोलते हैं वोल्टामीटर या फिर कॉलोमीटर. ठीक है, वो सिल्वर का या कॉपर का कोई भी हो सकता है. अब इसमें क्या है, हमारे पास एक सिल्वर का सोल्यूशन है, सिल्वर आयन का सोल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट हो सकता है या सिल्वर का कोई और सॉल्ट हो सकता है. ठीक है, उसमें हमने दो इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं. ठीक है, दो इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे डाले हुए हैं. ठीक है, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, भी कितना अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट हो रही है. ठीक है, अब देखो इसका जो एनोड है उसको हमने हमारे सिस्टम के कैथोड के साथ कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में. ठीक है, और इसका जो कैथोड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है. मींस इस साइड पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को हमने इस नेगेटिव चार्ज का कनेक्ट कर दिया और ये हमारा सिस्टम जो है यहाँ पे फर्दर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड है, विच इज फर्दर कनेक्टेड टू ए वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड एन एमिटर देन टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी.
क्लियर। अब ये हमारा पूरा एक सिस्टम है जिसमें हम स्टडी करते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस, और ये हमारा एक्चुअल में जो डिवाइस है जो काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ मेथड। क्लियर है। अब क्या प्रोसीजर है, कैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। जब हम अपना एक सोल्यूशन पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन का, सिल्वर नाइट्रेट का हमने सोल्यूशन लिया और हमने तीनों कंपार्टमेंट्स में इसको फिल कर दिया, ठीक है, तीनों कंपार्टमेंट्स में फिल कर दिया और निचले जो स्टॉप कॉक है इसको हमने क्लोज कर दिया, सो दैट के सोल्यूशन हमारा यहां से लीक आउट ना हो जाए। क्लियर। अब स्टार्टिंग में तो ये हमारे स्टॉप कॉक क्या थे, क्लोज थे। जब ये सिस्टम मेंटेन हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर आ जाएगा, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों स्टॉप कॉक को हम ओपन करते हैं, ठीक है, इन दोनों स्टॉप कॉक को हम ओपन करते हैं और बैटरी का स्विच जो है हम ऑन करते हैं, ठीक है, बैटरी का स्विच जो है हम ऑन करते हैं। और जैसे ही हम ऑपरेटर्स को सॉल्यूशन फिल करने के बाद, स्टॉप कॉक ओपन करने के बाद बैटरी का स्विच ऑन करते हैं, वहां पे हम करंट फ्लो कराते हैं, एक स्टेडी करंट फ्लो कराते हैं। वो कितना होना चाहिए करंट, दैट शुड बी 0.01 एम्पियर टू 0.02 एम्पियर, ठीक है, इतना लेस अमाउंट ऑफ करंट हमने फ्लो करना है फॉर 2 to 3 आवर्स। इतने ज्यादा टाइम के लिए हमने ये करंट क्यों फ्लो कराना है, सो दैट कि इतनी देर में सफिशियंट जो है इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हो जाए और सफिशियंट इलेक्ट्रोलिसिस इसमें सॉल्यूशन की हो जाए। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी सॉल्यूशन में तो वहां पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, मीन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, मीन्स जो इसमें सिल्वर आयंस हैं वो सारे मूव करके जाएंगे यहां से यहां तक, और यहां पे जो कैथोड है वहां पे डिपॉजिट होंगे, और नेगेटिव आयंस नाइट्रेट आयन यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां जाएंगे और यहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे या लिबरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो हमने प्लैटिनम के लेने हैं, ठीक है, दीज इलेक्ट्रोड शुड बी ऑफ प्लैटिनम, ठीक है, दीज इलेक्ट्रोड शुड बी ऑफ प्लैटिनम, सो दैट दीज आर नॉट इजिली अटैकेबल बाय दी नेगेटिव आयंस मीन्स एनायंस। क्लियर। एक स्टेडी स्टेट करंट हमने 0.01 एम्पीयर से 0.02 एम्पीयर का 2 से 3 घंटे हम इसमें फ्लो कराएंगे। अब वही करंट यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां मूव करते हुए, और वो कॉलोमीटर में भी जाएगा, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ 2 to 3 आवर्स क्या होगा, कॉलोमीटर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी और वहां पे कुछ ना कुछ डिपोजिशन होगी, सिमिलरली यहां पे भी कुछ ना कुछ क्या होगा, फॉल इन कंसेंट्रेशन होगी यहां पे भी और यहां पे भी, ठीक है। जितने कैटायंस हैं हमारे पास, सिल्वर आयंस है, वो यहां से मूव करेंगे, यहां से होते हुए कैथोड पे जाएंगे, और एनायंस फ्रॉम दी कैथोडिक कंपार्टमेंट मूव करते हुए फ्रॉम द मिडल कंपार्टमेंट इट विल गो टू दी एनोडिक कंपार्टमेंट, और वहां पे वो डिस्चार्ज या डिपॉजिट हो जाएंगे। क्लियर। अब जब इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो जाएगी, जब इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो जाएगी तब हमने इनकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। सबसे पहले बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस हमने क्या किया हुआ है, इसमें जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है जो हमारा मेन अंडर स्टडी है, ठीक है, उसको हमने वे किया हुआ है, अभी उसका कितना अमाउंट हमने इसमें लिया सॉल्यूशन का और उस सॉल्यूशन में कितना सिल्वर नाइट्रेट था, ठीक है, क्योंकि हमें ये कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी। और एक चीज ध्यान रखनी है, जब इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, और किसी कंपार्टमेंट के स्टॉप को हम ओपन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम एनओडी कंपार्टमेंट के जो स्टॉप को है उसको ओपन करके सारा का सारा सॉल्यूशन क्या है विड्रॉ कर लेंगे, सारा का सॉल्यूशन क्या है विड्रॉ कर लेंगे। और वो क्यों विड्रॉ करेंगे, बिकॉज हमने स्टडी करना है कि बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस और आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, कितना पहले सिल्वर नाइट्रेट था और अब कितना सिल्वर नाइट्रेट उसके अंदर बचा हुआ है 2-3 घंटे इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद, ठीक है, और ये सब हम कुछ सब इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। और एक चीज ध्यान देनी है कि मिडिल कंपार्टमेंट का सॉल्यूशन भी हमने बाद में विड्रॉ करना है, विड्रॉ करने के बाद इसमें भी कैलकुलेट करना है कि सिल्वर नाइट्रेट की कंसेंट्रेशन पहले क्या थी अब क्या है, और मिडिल कंपार्टमेंट में सिल्वर नाइट्रेट की जो कंसेंट्रेशन है दैट शुड बी कांस्टेंट, दैट शुड नॉट वेरी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखने वाली है कि दिस कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मिडिल कंपार्टमेंट should not change, ठीक है, should not change। अगर वो चेंज हो जाती है तो मीन्स हमारा सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो गलत हुआ है, तो हमें सारा एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट कर ली है, 2-3 घंटे के बाद हमने इसको बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद हमने सबसे पहला का काम करना है इन स्टॉप को क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है, सो दैट कि फर्दर जो है आयन की मूवमेंट ना हो और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है इधर उधर शिफ्ट ना हो जाए,
ठीक है, जब हम इसको क्लोज करते हैं उसके बाद ही हमने यहां से विड्रॉ करना है और उसका मेजरमेंट करना है, टाइट्रेशन करनी है, ठीक है। फिर हमने मिडिल कंपार्टमेंट का टेस्ट करना है, अगर तो मिडिल कंपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई है तो मीन्स हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अच्छे से हुआ है। फिर हम जो इसमें से सिल्वर नाइट्रेट हमने टाइट्रेट किया है, ठीक है, और उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट की है, उसको हम यूज करेंगे फर्दर हमारी कैलकुलेशन में कि कहां से हम ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है जी। सो अब बात करते हैं कैलकुलेशंस की, कि कैसे हमने इसकी कैलकुलेशंस करनी है, क्या क्या चीजें हम उसमें से कैलकुलेट करते हैं। सो क्योंकि हमने पहला केस मान के चले हैं, हमारे पास जो फर्स्ट केस है वो हमने क्या लिया है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड्स है वो किसके बने हुए, प्लैटिनम्स के हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रोड्स आर नॉट अटैकेबल, ठीक है, हम पहले उसकी कैलकुलेशन करेंगे, Not attackable, ठीक है। हम क्या मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रोड्स आर नॉट अटैकेबल, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ प्लैटिनम, क्लियर। अब अगर प्लैटिनम के बने हुए हैं तो क्या होगा, अब बात करते हैं पहले आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, कि आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस मान लो कि हमारे पास इसमें जो सोल्यूशन है, कंप्लीट जो सोल्यूशन है उसका वेट कितना आया, लेट इट बी W 1 ग्राम, ठीक है। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट द वेट ऑफ सॉल्यूशन इन एनोडिक कंपार्टमेंट जो था उसका वेट कितना है, लेट इट बी W 1 ग्राम, ठीक है। नाउ टाइट्रेशन करने के बाद हमने क्या कैलकुलेट किया, सिल्वर नाइट्रेट का वेट कितना है, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट भी है और वाटर भी है, ठीक है। सो व्हाट इज द वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फाउंड टू बी प्रेजेंट, ठीक है, इन इट, उसमें कितना है वो कहां से पता लगेगा, आफ्टर टाइट्रेशन, ठीक है, आफ्टर टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन करने पे हमें क्या पता चला कि उसके अंदर जो वेट है वो कितना है, दैट इज W 2 ग्राम है, ठीक है। अब W 2 ग्राम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, W 1 ग्राम क्या, पूरा सॉल्यूशन है, तो मीन्स बाकी क्या बचा, उसमें वाटर बचा, व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर, सो देयरफॉर द वेट ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट प्रेजेंट वो कितना होगा, That will be equal to W1 minus W2 gram, ठीक है, W1 minus W2 gram, means अगर हम solution के weight में से silver nitrate का weight जो minus कर दें तो हमारे पास जो weight बचेगा that will be the weight of water, ठीक है। और we can say that the W1 minus W2 gram water में कितना silver nitrate था, W2 gram, so we can say that the W1 minus W2 gram of water contains W2 gram of silver nitrate, कब, after electrolysis, ठीक है, after electrolysis हमारे पास क्या आया, W2 gram आया। और अगर हम इस W2 gram को gram equivalent में convert करें, so we can say that the W1 minus W2 gram of water contains W2 upon 170 ग्राम equivalent of silver nitrate, ठीक है। अब मैंने 170 से क्यों डिवाइड किया इसको, बिकॉज 170 इज द equivalent वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं दैट इज इक्वल टू द वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ठीक है, एंड सिमिलरली नंबर ऑफ ग्राम equivalents वो किसके बराबर होते हैं, दैट इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अगर हम वेट को डिवाइड करते हैं इक्विवेलेंट वेट के साथ तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, वहां पे ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। सो वही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि W2 अपॉन 170, W2 क्या है, द वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, 170 क्या है, द ग्राम द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सो लेट इट बी एक्स ग्राम इक्विवेलेंट्स, लेट इट बी एक्स ग्राम इक्विवेलेंट्स आया, ठीक है। तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स आए, लेट इट बी एक्स ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। इसको याद रखना है कि आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं वहां पे सिल्वर के, सिल्वर नाइट्रेट के, दैट इज एक्स ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब सिल्वर नाइट्रेट के अंदर ही सिल्वर है तो मीन्स दैट इज द ग्राम एक्स ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर, ठीक है, दैट इज द एक्स ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, क्लियर। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट क्या करना है कि बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस कितना उसके अंदर हमारे पास जो था वो सिल्वर नाइट्रेट था, ठीक है, कितना सिल्वर नाइट्रेट था। नाउ लेट
बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, यहां पे लिख देता हूं मैं बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का वेट क्या है, W3 ग्राम है, ठीक है, लेट द वेट ऑफ सॉल्यूशन बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस कितना था उसके अंदर, लेट इट बी W3 ग्राम, ठीक है। नाउ अब हमने कैलकुलेट किया वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फ्रॉम टाइट्रेशन, ठीक है, तो वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फाउंड टू बी प्रेजेंट, ठीक है, ये कैसे पता लगेगा, यूजिंग द टाइट्रेशन, ठीक है, यूजिंग द टाइट्रेशन मेथड, तो टाइट्रेशन मेथड से हमें पता चला भी कितना वेट सिल्वर का है उसके अंदर, लेट इट बी W4 ग्राम, ठीक है, लेट इट बी W4 ग्राम, सो वी कैन से दैट द वेट ऑफ वॉटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वो, W3 माइनस W4 ग्राम, W3 माइनस W4 ग्राम। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस और आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस वाटर को कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, मींस जो W3 माइनस W4 ग्राम वेट है वाटर का बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस दैट इज इक्वल टू दी आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस W1 माइनस W ग्राम, ठीक है, तो वहां पे हमने क्या देखा था, वेट ऑफ वाटर आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस दैट वाज W1 माइनस W2 ग्राम, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू दी वेट ऑफ वाटर बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, क्लियर है, ओके तो ये दोनों सेम है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस हमने माना कि वेट ऑफ वाटर क्या है, डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर ग्राम, सो वी कैन से दैट द डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स, ऑफ वाटर कंटेन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज द डब्ल्यू फोर ग्राम, तो डब्ल्यू फोर ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, डब्ल्यू फोर ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, क्लियर, दैट इज बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, क्लियर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ग्राम इक्विवेलेंट्स, वो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स में, सो वी कैन से दैट द W3 माइनस W4 ग्राम और W1 माइनस W2 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स कंटेन्स W4 अपॉन 170 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, सो लेट इट बी W4 अपॉन 170 को हम मेंशन कर देते हैं Y ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और यू कैन से द Y ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। अब यहां से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस सिल्वर नाइट्रेट की कंसेंट्रेशन क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस सिल्वर नाइट्रेट की कंसेंट्रेशन क्या रहेगी, लेस रहेगी, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, सो वी कैन से दैट हियर दैट द वाई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जो सिल्वर है बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस दैट इज ग्रेटर देन द एक्स ग्राम इक्विवेलेंट विच इज आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, तो अगर बिफोर इलेक्ट्रोसिस ज्यादा है आफ्टर इलेक्ट्रोसिस कम है तो मींस कुछ ना कुछ क्या हुआ, लॉस्ट हुआ, कुछ ना कुछ क्या हुआ, लॉस्ट हुआ, तो दैट इज द फॉल इन कंसेंट्रेशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिल्वर विच इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, ठीक है, वो कितना है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम द कॉलोमीटर, ठीक है। अब यहां पे बारी आएगी कॉलोमीटर की, कॉलोमीटर को हमने यूज करना है, वहां से हमने देखा सपोज कोई अमाउंट जो है वो डिपॉजिट होगी, वो कितना है, डब्ल्यू ग्राम है, वो कितना है, डब्ल्यू ग्राम है, ठीक है, सो लेट let the amount of silver deposited in voltmeter is equal to W gram, ठीक है, वो कितना है, W gram, clear, तो अगर वो W gram है तो what will be the amount of silver डिपॉजिटेड, अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट में कैलकुलेट करें तो वो कितना हो जाएगा, और वी कैन से दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 108 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर, ठीक है। अब मैं यहां पे सिल्वर क्यों ले रहा हूं, वहां पे मैंने सिल्वर नाइट्रेट क्यों लिया था, क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं भी कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ, वहीं से हम कैलकुलेट करते हैं भी कितना सिल्वर लॉस्ट हुआ,
और जितना सिल्वर लॉस्ट होगा उतना ही क्या होगा, नाइट्रेट भी लॉस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने वहां पे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की बात की थी, ठीक है, इसलिए हमने वहां पे सिल्वर नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट लिया था। अब यहां पे कॉलोमीटर में हम सिर्फ और सिर्फ सिल्वर का वेट देख रहे हैं, तो हम इसलिए हम उसका सिल्वर का ही इक्विवेलेंट वेट देख रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट इन द वोल्टामीटर एंड इट विल बी इक्वल टू लेट इट बी जेड ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर, ठीक है, यहां पे इसको मान लेते हैं जेड ग्राम, ठीक है। अब व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर अगर हमने कैलकुलेट करना हो, सो वो किसके बराबर होगा, हमने पीछे देखा था दैट इज द फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, ठीक है, इसको मिलेंगे इन ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, अपॉन अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इन वोल्टामीटर, ठीक है। अब कितनी कंसंट्रेशन फॉल करेगी, क्योंकि हम देखो पीछे हमने कैलकुलेट किया है कि बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास कितना वहां पे इलेक्ट्रोलाइट था, दैट इज y ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, और आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास क्या था, x ग्राम। तो y माइनस x क्या हुआ, द लॉस्ट ऑफ सिल्वर आयन अराउंड द एनोड, ठीक है, लॉस्ट ऑफ सिल्वर आयन अराउंड द एनोड, तो दैट इज द फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, सो दैट विल बी इक्वल टू y माइनस x अपॉन z, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे निकाल सकते हैं, द t ऑफ सिल्वर आयन इज इक्वल टू y माइनस x अपॉन z, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर का आ जाएगा, और अगर हमने कैलकुलेट करना हो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नाइट्रेट आयन, सो वो क्या रहेगा, द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नाइट्रेट आयन विल बी इक्वल टू 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर आयन। बहुत इजी है, ये सब कुछ कब हो पाया, जब हमारा इलेक्ट्रोड क्या था, इनर्ट था, प्लैटिनम का था, ठीक है, तो उसमें हमारी कैलकुलेशन जो है वो सिंपल आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो अटैकेबल हो, अगर हमारा इलेक्ट्रोड जो है अटैकेबल हो, मींस इफ द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ रिएक्टिव मटीरियल मींस सिल्वर के, ठीक है। सेकंड केस है केस टू, इफ इलेक्ट्रोड्स आर अटैकेबल, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स आर अटैकेबल, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि जैसे ही अगर हम बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस और आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, तो बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस जो हमारी अमाउंट होगी अराउंड द कैथोड एंड द एनोड वो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, लेट इट बी वाई, ठीक है, उसको मैंने वाई माना। जब इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी तो सिल्वर तो वहां से जाएगा कैथोड की तरफ, बट जब नाइट्रेट जाएंगे एनोड की तरफ तो एनोड पे अटैक करेंगे और वहां पे जो सिल्वर की कंसंट्रेशन फॉल की थी, जो मूव कर गया था, वहां पे उसकी कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, वो इंक्रीज कर देंगे। देन इन दैट केस वी कैन से दैट कि जो हमारे पास आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस है, द कंसंट्रेशन ऑफ द सिल्वर विल बी मोर, और यू कैन से द कंसंट्रेशन अराउंड द एनोडिक कंपार्टमेंट दैट विल बी मोर, क्लियर। उस केस में वी कैन से दैट एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई, एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई, ठीक है। सो यहां से हमें ये क्लियर हो गया कि x की वैल्यू जो है वो y से ज्यादा है, तो मींस वहां पे कंसंट्रेशन फॉल नहीं की है, कंसंट्रेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो कितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड दैट विल बी इक्वल टू x माइनस y ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, ठीक है। सो दिस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस अराउंड द एनोड टेक्स प्लेस इवन व्हेन द सिल्वर आयंस आर मूविंग और नॉट मूविंग, ठीक है। अगर वहां पे सिल्वर आयन मूव भी कर रहे हैं, नहीं भी मूव कर रहे हैं, तब भी वहां पे सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। ये हमने डिटेल में हीट ऑफ मेथड में डिस्कस किया था कि अगर फर्स्ट केस हमने लिया था कि अगर कैटायंस मूव नहीं कर रहे हैं, देन हमने देखा था वहां पे कैटायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। अगर कैटायन मूव भी कर रहे हैं विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ द एनायन, अगेन देन वहां पे क्या कर रही है, कैटायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। और अगर कैटायन की स्पीड डबल भी हो जाती है एनायन से, देन अगेन वहां पे कंसंट्रेशन क्या है, कैटायंस की इंक्रीज कर रही है, ठीक है। जो मर्जी केस ले ले, अगर इलेक्ट्रोड के अराउंड जो कैटायंस हैं वो मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब भी वहां पे क्या हो रही है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन हो रही है, ठीक है। नाउ सपोज इफ नो
सिल्वर आयंस हैड माइग्रेटेड, अगर कोई भी सिल्वर आयन माइग्रेट नहीं किए हैं, माइग्रेटेड फ्रॉम द एनोड, ठीक है, देन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, देन उस केस में इंक्रीज इन कंसंट्रेशन क्या होगी, वो डिफरेंट होगी जब सिल्वर आयन मूव कर जाते हैं। देखो सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है कि एक हमने केस ऐसा लिया कि सिल्वर आयन मूव कर रहे हैं तो वहां पे कंसंट्रेशन फॉल कर रही है, ठीक है, और वहां से नाइट्रेट एंड क्या है सिल्वर को बीच में कंपोजिट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे अब कुछ ना कुछ सिल्वर लॉस्ट हुआ और बहुत सारा सिल्वर वहां पे आ गया, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, नेट इंक्रीज क्या आएगा, जितना हमारे पास इंक्रीज हुआ और जितना वहां से मूव कर गया उनका डिफरेंस ले लेंगे, वो आ जाएगा इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा केस की, जब हमने सपोज किया कि अगर सिल्वर आयन मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब दोनों केस को ध्यान से समझना है, अब बात कर रहे हैं कि अगर सिल्वर आयन मूव नहीं करते हैं, ठीक है, तो पहले वाले जितने सिल्वर थे वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं और नाइट्रेट आयन गए वहां पे और वहां से और सिल्वर ले आए, ठीक है। अब इस कंडीशन में जब सिल्वर आयन माइग्रेट नहीं कर रहे हैं फ्रॉम एनोड, तो वहां पे जो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन होगी वो इस एक्स माइनस वाई से ज्यादा रहेगी, ठीक है, इस डिफरेंस से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब वो कितनी इंक्रीज करेगी, वो कैसे करेंगे, अगर जब हम एक केस मान रहे हैं कि जब सिल्वर मूव नहीं करते हैं और वहां पे जो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन होती है उसमें से अगर हम ये डिफरेंस माइनस कर दें एक्स माइनस वाई की, जो सिल्वर आयन मूव करने के बाद हमारे पास इंक्रीज करती है, उन दोनों का डिफरेंस ले लें, ठीक है, तो वो रहेगा हमारे पास नेट फॉल इन कंसंट्रेशन, वहां से हम क्या निकालेंगे, नेट फॉल इन कंसंट्रेशन। नाउ वी आर सपोजिंग दैट इफ नो सिल्वर आयंस हैड माइग्रेटेड फ्रॉम द एनोड, देन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड will be equal to Z gram equivalents, that will be the Z gram equivalents, ठीक है। Now what is fall in concentration around anode due to the migration of silver ions, ठीक है, ध्यान से समझने वाली बात है कि पहले हमने केस लिया कि अगर कोई सिल्वर आयन मूव नहीं कर रहे हैं तो वहां पे कंसंट्रेशन जो पहले थी वो भी है और नए सिल्वर आयन भी आ गए, तो वो हमने ले लिया Z ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब मान के चल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सिल्वर आयन भी मूव करते हैं, ठीक है, अगर सिल्वर आयन ना मूव करे तो जेड ग्राम इक्विवेलेंट वहां पे इंक्रीज हो जाएगा, टोटल इंक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ मूव कर गए, ठीक है, कुछ मूव कर रहे हैं और कुछ नीचे आ रहे हैं, वो डिफरेंस क्या देगा हमें, जो एक्चुअल हमारे पास वहां पे कंसंट्रेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो जब वो नहीं मूव करते हैं और जब वो मूव करते हैं उनका डिफरेंस हम लेंगे, वो क्या बताएगा हमें, नेट फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड द एनोड, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू जेड माइनस एक्स माइनस वाई ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, यहां तक आई थिंक ये क्लियर है आपको। नो व्हाट विल बी द ट्रांसपोर्ट नंबर, तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या रहेगा, सो हेंस वी कैन से दैट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर आयंस दैट विल बी इक्वल टू द टी ए जी पॉजिटिव एंड इट विल बी इक्वल टू जेड माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन जेड, ठीक है, तो यहां से हम उसका ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हैं। नाउ व्हाट विल द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायंस, दैट इज नाइट्रेट आयंस, नाइट्रेट आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या लिखेंगे हम, दैट इज टी एन ओ थ्री नेगेटिव, दैट विल बी इक्वल टू वन माइनस टी Ag पॉजिटिव, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू वन माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन जेड, मीन्स जो ट्रांसपोर्ट नंबर हमारे पास सिल्वर का आएगा उसको हमने वन में से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करेंगे मूविंग बाउंड्री मेथड, दूसरा मेथड जिससे हम ट्रांसपोर्ट नंबर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।